ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेड क्रॉस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज रेड क्रॉस। अब इंटरनेशनल हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज किया था, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसके अंदर हमने वर्ल्ड हेल्थ डे उसकी थीम्स देखी थी। फिर हमने यूनिसेफ किया था, उसी के तहत हमने गोबी FFF कैंपेन देखा था। फिर हमने ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। फिर हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ा था। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उस प्लेलिस्ट में इंटरनेशनल हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके इंडिविजुअल नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रेड क्रॉस। अपना सबसे पहली चीज कि भाई इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है या इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है उनके फाउंडर कौन है, तो उनके फाउंडर जो थे दैट इज हेनरी डुनेंट। इनको याद रखिएगा, ये फाउंडर थे, और इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि इस पे MCQ आता है। ठीक, फिर वही है कि भैया जैसे कि WHO के बारे में हमने सब पढ़ा था, वैसे ही है कि भाई जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, ये भी नॉन पॉलिटिकल है, नॉन ऑफिशियल है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो मानवीय कार्य होते हैं या ह्यूमैनिटेरियन वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड काम करती है। ठीक, थोड़ी सी टाइमलाइन पता होनी चाहिए इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में। तो 1864 में सबसे पहले इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस आई थी, ICRC, जो कि मुख्यतः जो आई थी जब, तो वो जो घायल लोग होते हैं, जो वॉर वगैरह में या युद्ध वगैरह में घायल हो जाते हैं, या जो बीमार जो युद्ध में जो बीमार पड़ जाते हैं, या जो आर्मी में आर्मी के जो लोग होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं या जो घायल हो जाते हैं, उनके रिलीफ के लिए या उनके प्रति सर्विसेज देने के लिए आई थी सबसे पहले 1864 में। ठीक, उसके बाद 1919 में जो आई दैट इज लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक, तो ये दो डेट्स हैं रेड क्रॉस से रिलेटेड, ये याद रखिएगा। 1864 में ICRC दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, क्या उसका मेन काम था? उसका मेन काम था जो सेना में जो जवान होते हैं वो घायल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं उनके रिलीफ के लिए सर्विसेज देना, जबकि 1919 में जो थे दैट इज लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी आई थी। ठीक, अब अगली चीज की इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा में और किसका हेडक्वार्टर था हमको याद है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी है, और ऐसे ही जेनेवा में इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर है। मेंबर्स की बात करो तो 90 से ज्यादा मेंबर्स हैं इसके। अपना इसका मेन काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मेन काम क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब ये शुरुआत में आया था, मतलब जब नया नया इंटरनेशनल रेड क्रॉस आया था, तो इसका जो मेन काम था ना वो था कि भैया ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड कराना, यानी कि जो मानवीय सर्विसेज है, मानवीय कार्य है, उनमें हेल्प कराना। और मुख्यतः इनका जो काम था वो वॉर विक्टिम से रिलेटेड था, मतलब जो युद्ध पीड़ित लोग होते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड कराना था। यानी कि मानवीय कार्य वगैरह करते थे ये मुख्यतः युद्ध पीड़ित लोगों के लिए। ठीक, तो याद रखना कि जब शुरुआत में रेड क्रॉस आया था तो मुख्यतः युद्ध पीड़ित लोगों के लिए कार्य करता था, मगर बाद में और भी सारी सर्विसेज इसमें जोड़ दी गई। हाँ, वॉर विक्टिम्स के लिए तो आज भी काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम अब करने लगे हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड सारी सर्विसेज देने लगे हैं आर्म फोर्सेस के लोगों को, पहले भी करते थे अभी भी करते हैं। उसके अलावा
जो वॉर वेटरन्स हैं, यानी कि जो युद्ध के दिग्गज लोग हैं, उनसे रिलेटेड भी सर्विसेज की, भाई जो रिटायर हो गए हैं, वॉर में मेनली काम किया था, काफी युद्ध में दिग्गज, युद्ध के जो दिग्गज होते हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा फर्स्ट एड और नर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा वगैरह होती है। मुख्यतः जब कोई डिजास्टर वगैरह होता है ना, सबसे पहले रेड क्रॉस वाले ही पहुंचते हैं फर्स्ट एड और नर्सिंग सर्विसेज लेके। तो फर्स्ट एड सर्विसेज यानी कि प्राथमिक चिकित्सा वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत काम करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड भी बहुत सारे काम रेड क्रॉस वाले करते हैं। मगर जो मेन काम आप देखोगे ना, पेपर्स में भी पढ़ते हो, हर जगह कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ गई या डिजास्टर हो गया तो उसमें सबसे पहले जो पहुंचते हैं ना, सेना तो पहुंचती है बट ऑब्वियसली उसके अलावा जो रेड क्रॉस वाले हैं ना, वो भी बहुत पहले पहुंच जाते हैं अपनी दवाइयां लेके, उसके अलावा खाने से रिलेटेड खाने पान की चीजें लेके, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं ना, आश्रय प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जहां भी डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा आई होती है ना, वहां पे ये तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है, दवाइयां, आश्रय और खान पान के से रिलेटेड चीजें। तो ये लेके तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं रेड क्रॉस वाले। तो ये कुछ चीजें याद रखना रेड क्रॉस में, कि इनका मेन काम क्या है। और उसमें भी शुरुआत में जब आए थे तब तो मुख्यतः युद्ध पीड़ित लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन अभी की बात करें तो और भी चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड लोगों को सर्विसेज देते हैं, वॉर वेटरन जो युद्ध के दिग्गज हैं उनसे उनसे रिलेटेड लोगों को सर्विसेज देते हैं, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक स्वास्थ्य के से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन या स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड काम करते हैं। उसके अलावा जो डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा आती हैं उनमें भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये तो याद रखना इंटरनेशनल रेड क्रॉस में। ठीक, उसके बाद ना इंडियन रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो इंडियन रेड क्रॉस में मुख्यतः तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। पहला तो लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखना, दूसरी चीज बीमारी से बचाव करना, और तीसरी चीज दैट इज मिटिगेशन ऑफ सफरिंग। मिटिगेशन ऑफ सफरिंग बोले तो कि भैया जो अब वॉर विक्टिम्स वगैरह हैं या वॉर्स में डिसेबल्ड हो गए लोग, तो उन लोगों के पीड़ा को कम करना या उनकी सफरिंग को कम करना, दैट इज इंडियन रेड क्रॉस का मेनली तीन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनमें से एक। समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इंडियन रेड क्रॉस के मेन तीन ऑब्जेक्टिव्स बता दो, तो वो जो मेन तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि भाई लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान देना और बीमारियों से बचाव करना, और सफरिंग जो है लोगों की या जो पीड़ित हैं उनके दर्द को कम करना, उनके सफरिंग को कम करना। ठीक, ये तीन मेन काम होते हैं। उसके अलावा जो डिजास्टर सर्विसेज जो देते हैं इंडियन रेड क्रॉस भी, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ के एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो वहां पे खान पान से रिलेटेड चीजें पहुंचाना, दैट इज मिल्क वगैरह, उसके अलावा दवाइयां पहुंचाना, उसके अलावा मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स वगैरह पहुंचाना, कैडवर ऑयल, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा, जब कोई आपदा आती है कहीं पे तो वहां पे ये सर्विसेज देते हैं। ठीक, इंडियन रेड क्रॉस के बारे में ना एक और मेन चीज याद रखना, दैट इज इंडियन रेड क्रॉस होम। ये याद रखना, इंडियन रेड क्रॉस होम। एक तो पहला सवाल आ जाएगा कि इंडियन रेड क्रॉस होम कहाँ पे है, तो वो आपको बताना है बेंगलोर में है। और किन लोगों के लिए है, तो जो किन्हीं वजहों से विकलांग हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं उन लोगों के लिए, या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जो सेवाएं अपनी दे चुके हैं सेना में, उसके बाद उनकी उनको सर्विसेज देने के लिए, प्लस अगर सेना में या सेना में काम करते हुए कोई डिसेबल्ड हो गया है या विकलांग हो गया, तो उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंडियन रेड क्रॉस होम में, जो कि बैंगलोर में है, ये याद रखना। ठीक, तो सेकेंड चीज, जो पहली चीज आपको याद रखनी थी वो थी कि भैया जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर है और
दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इंडियन रेड क्रॉस होम जो है वो बेंगलोर में है। उसके अलावा ना थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाई जूनियर रेड क्रॉस से रिलेटेड, कि जूनियर रेड क्रॉस में जो एक्टिविटीज कराते हैं रेड क्रॉस वाले उसमें क्या क्या होती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना, वही हमने जैसे कहा था कि भैया प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे आपको सर्विसेज देना। उसके अलावा विलेज अपलिफ्टमेंट, ग्राम का उत्थान कराने के लिए कि भाई साफ सफाई रखना है हमको, और कैसे गांव की साफ सफाई रखना है, कैसे गांव को स्वच्छ बनाना है, कैसे गांव का उत्थान कराना है, वो सब चीजों से रिलेटेड काम करना सिखाना यंग लोगों को, ठीक है। उसके अलावा एंटी एपिडेमिक वर्क में भी इनको काफी आगे रखा जाता है कि महामारी विरोधी काम जो होते हैं वो भी सिखाते हैं हम यूथ को, ठीक है, कि यंग लोग जो होते हैं उनको हम मुख्यतः ये सारे काम सिखाते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो प्राथमिक उपचार दे सके, उसके अलावा साफ सफाई से रिलेटेड काम कर सके गांव में शहरों में, जिससे कि ग्राम का उत्थान हो सके, उसके अलावा महामारी विरोधी काम कर सके। तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आगे जाके एक अलग बिरादरी बनानी है, यानी कि एक अलग इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी बनानी है यूथ की, जो आगे जाके देश का भी उद्धार कर सके। ठीक, इसलिए हमको जूनियर रेड क्रॉस को शुरू से ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ऑफ यूथ तैयार हो सके। तो थोड़ी सी जानकारी हमने जूनियर रेड क्रॉस के लिए भी दे दी। उसके अलावा इसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस का। अब यार इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रेड क्रॉस का लोगो कैसे याद रखना है। रेड क्रॉस का लोगो तो आपको ये दिख ही रहा है, क्रॉस है रेड कलर का, सिंपल। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कब आया था, तो 1863 में जेनेवा मीट के दौरान रेड क्रॉस एम्बलम आया था। और इसमें याद रखने वाली चीज कि दोनों जो लाइन है ना, जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इसका ना इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बिना परमिशन के इसका इस्तेमाल एक पनिशेबल ऑफेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। तो रेड क्रॉस एम्बलम में या रेड क्रॉस के लोगो में आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला तो 1863 जेनेवा मीट के दौरान आया था, इसकी दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेम होती हैं और इसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक। तो इतनी चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए रेड क्रॉस के बारे में। अब मैं यहाँ पे याद करने वाली दो चीजें हैं। पहली कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है जिनेवा में। और दूसरी चीज कि भाई इंटरनेशनल रेड क्रॉस होम इंडिया में कहाँ पे है, तो वो है बेंगलोर में। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक। तो देखो इसको याद करना बहुत आसान है, मतलब मैं जैसे याद करता था तो मैं बता देता हूँ। पहली चीज की इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ये कैसे याद करेंगे, तो जेनेवा कैसे लिखेंगे अपन, जेनेवा लिखेंगे ये हो गया अपना जेनेवा, जेनेवा हो गया, हिंदी की राइटिंग थोड़ी खराब है, माफ कर दे, तो जेनेवा, ठीक। अब ना जेनेवा में क्या आ गया आपका, ज आ गया, तो ये जो ज है ज से क्या आ जाता है आपका, जवान, है ना। जवान यानी जो सेना का जवान होता है वो सेना का जवान आ गया आपका, तो ज से जनेवा और ज से जवान। तो ये जैसे ही आपको रेड क्रॉस याद आएगा, रेड क्रॉस में आपको क्या याद आएगा, रेड क्रॉस में आपको याद आएगा सिक आर्मी पर्सन या वोंडेड लोग या वॉर विक्टिम्स या वॉर वेटरन्स या आर्म फोर्सेस, इन सभी जगहों पे कौन है आपके, जवान है। या रेड क्रॉस में आपको एक और चीज आती है, डिजास्टर सर्विसेज देती है, तो डिजास्टर में भी सबसे पहले सेना के जवान पहुंच जाते हैं, तो आपको रेड क्रॉस में ना सबसे पहले सेना का जवान याद आएगा। तो क्या हो जाएगा, ज से जवान और ज से जेनेवा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। वैसे ही अगर जो आपको अगली चीज याद रखनी है कि रेड क्रॉस होम इंडिया में कहाँ पे है, तो वो बेंगलोर में है। तो इसको कैसे याद करेंगे, आपको याद रखना है रेड क्रॉस होम, ठीक है।
तो रेड क्रॉस, आर सी आर सी आर सी बी आर सी बी, ऐसे याद, ऐसे अपन बोलते हैं ना जब आईपीएल के मैचेस आते हैं, तो आर सी बी आर सी बी, तो ऐसे आर सी दैट इज रेड क्रॉस होम कहाँ पे है, बैंगलोर में है, सिंपल ऐसे याद कर सकते हो। तो ऐसे याद कर सकते हो कि इंडियन रेड क्रॉस होम बैंगलोर में है, और ऐसे याद कर सकते हो कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो ये दो चीजें। अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो यार थ्योरी एग्जाम में तो ये स्टार क्वेश्चंस में से एक है कि भाई शॉर्ट नोट आपको सीधा सीधा रेड क्रॉस पे आ जाता है। देखो यार, इंटरनेशनल हेल्थ पे अगर किसी को सवाल देना होगा ना, तो वो WHO पे देना चाहेगा, यूनिसेफ पे देना चाहेगा, और रेड क्रॉस पे। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रेड क्रॉस जो है वो स्टार क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, इसमें शॉर्ट नोट पूछा ही जाता है, तो याद रखना इसको। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में क्या पूछा जाता है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये वाइवा में पूछा जाता है। सेकेंड चीज इज इसका रोल वाइवा में पूछा जाता है। इसका रोल क्यों पूछते हैं वाइवा में, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है कि शुरुआत में इसका रोल क्या था और आज की डेट में इसका रोल क्या है, यह आपको पता है कि नहीं। ठीक, उसके अलावा एक और चीज जो सवाल पूछा जाता है आपसे कि इंटरनेशनल इंडियन रेड क्रॉस होम कहाँ पे है, ये वाइवा में पूछा जाता है। और जूनियर रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये भी वाइवा में पूछा जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें तो वाइवा के बारे में पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो ये सीधा सीधा कई बार पूछा गया है कि रेड इंटरनेशनल रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे, तो हेनरी डुनंट। इनफैक्ट इनकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये भी याद रखना। उसके अलावा एक एमसीक्यू ये भी पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जेनेवा में है। ठीक, इसके रोल पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है कि भाई शुरुआत में जब ये आया था तो किस चीज पे काम करता था या किन लोगों के लिए काम करता था, तो इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, एक एमसीक्यू इस पे आ सकता है कि इंडियन रेड क्रॉस होम कहाँ पे है, तो वो बेंगलोर में है। एमसीक्यू जो आपको आया हुआ है जूनियर रेड क्रॉस पे कि उसके काम क्या क्या होते हैं, तो वही विलेज अपलिफ्ट और एंटी एपिडेमिक वर्क, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है। रेड क्रॉस एम्बलम पे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि कब आया था ये, जिनेवा में 1863 में, इक्वल लेंथ होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, और इसका इस्तेमाल करना बिना परमिशन के पनिशेबल ऑफेंस, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ, तो ये भी पता होना चाहिए। इसका जो लोगो है वैसे बहुत इजी है, तो कम चांसेस होते हैं आने के, फिर भी इसका लोगो इमेज पे इस क्वेश्चन में भी आ सकता है और स्पोर्ट्स में भी रखा जा सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको रेड क्रॉस के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।